Hello students, in this video we will study about citizenship and residentship are two different terms. First we will study about citizenship. It is basically a legal concept based on the place of birth of a person or some legal provisions allowing a person to become a citizen. It means Indian citizens can arise in two ways. India mein इंडियन सिटीज़न होने के लिए दो तरीके से, या ये कह सकते हैं दो तरीके से हम इंडिया का सिटीज़न हो सकते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया ही एक्वायर ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. एक ऐसा पर्सन जो इंडिया में पैदा हुआ ऑटोमेटिकली उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी. उसे किसी भी तरीके की प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. बस वो इंडिया में पैदा होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें उसको इंडिया का सिटीज़न बना देंगे. एंड द सेकेंड कंडीशन इज़ अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउ हिम टू बिकम इंडियन सिटीज़न. सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि कोई ऐसा पर्सन जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ हो, द पर्सन वो इज़ बॉर्न आउटसाइड इंडिया and applies for citizenship. बाहर पैदा हुआ हो, इंडिया में रह रहा हो, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट हो, और नॉर्मल रेसिडेंट होने के साथ साथ उसने क्या किया हो, applies for citizenship. उसने इंडिया में, चूँकि वो इंडिया में रह रहा है तो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए उन्होंने अप्लाई किया, और उस कंडीशन पे, उस एप्लीकेशन पे इंडियन लॉ ने उसको अलाउ कर दिया है कि वो इंडिया का सिटीज़न बन सकता है, तब कोई बाहर का पर्सन इंडिया का सिटीज़न हो सकता है. दो इजी कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन इज द पर्सन मस्ट बी बॉर्न इन इंडिया, ही और शी ऑटोमेटिकली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. एंड सेकेंड कंडीशन इज द पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर इंडियन रेसिडेंटशिप, सॉरी इंडियन सिटीजनशिप, एंड इंडियन लॉ अलाउ हिम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. This citizen concept is different from residentship. As we study about normal resident in previous video, the condition for normal resident is he or she must reside in a country and doing some economic activity. Same condition is here. The first condition is it is an economic concept based on residentship is an economic concept based on the basic economic activity performed by a person. Basic economic activity means earning, expenses, and all work related to the money. Yes, basic economic activity means earning, spendings, consumption expenditures, and all work related to the money performed by a person. First condition is this, and second is an individual is the normal resident of a country if he or ordinarily reside in the country for a period more than 1 year and his center of economic interest lies in that country. इस पॉइंट को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको. अ चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कोई चाइनीज जो इंडिया में रह रहा है 1 साल से ज़्यादा के लिए, ध्यान दीजिएगा 365 डेज, या मैंने बोला 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर कोई चाइनीज़ इंडिया में रह रहा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा. इस केस में ये 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, इंडिया में रह रहा है, इंडिया में कमा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, कमा रहा है, खर्च कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें भी कर रहा है, तो अभी भी वो इंडिया का क्या है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट है. जब तक कि वो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए, बाय सेकंड कंडीशन अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउ हिम टू बिकम इंडियन सिटीजन,
चाइना बाहर से आया है, चाइना से आया है और इंडिया में रह रहा है 365 दिन से ज़्यादा, और इंडिया में ही रह के कमा रहा है, खा रहा है और बाकी सारे एक्सपेंसेस कर रहा है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, तब तक कहलाएगा जब तक कि वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करता। अगर ये पर्सन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देता है तो ही और शी विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर इसी कंडीशन को आगे बढ़ाएं, जैसे कंडीशन क्या थी, अ चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन वन ईयर इज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउ एवर ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज ही डज नॉट होल्ड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेसिडेंट क्यों था, क्योंकि वो इंडिया की सिटीजनशिप नहीं लिए हुए था। अगर चाइनीज ने इंडियन सिटीजनशिप नहीं ली तो वो इंडिया का क्या हो गया, नॉर्मल रेसिडेंट। तो वो सिटीजन कहाँ का हुआ फिर, चाइना का। वो चाइना का सिटीजन होगा कहाँ, कब, जब वो चाइना में होगा, और जब वो इंडिया में होगा तो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। इसीलिए कहा गया है कि अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम अ रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। कोई भी पर्सन अगर किसी कंट्री का सिटीजन है, अगर किसी कंट्री का सिटीजन है तो एट दैट सेम टाइम ही और शी विल बी द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। थैंक यू।